खबर यूपी के झांसी से है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मऊरानीपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी आंद्रा बामसी ने एसएसपी दिनेश कुमार के साथ कोतवाली और सीएससी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया, मऊरानीपुर में लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं और सफाई की स्थिति भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मऊरानीपुर में संक्रमण फैल रहा है। साथ ही कहा कि अब मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। साफ सफाई रखने के लिए जिलाधिकारी ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मऊरानीपुर में L1 कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर्स शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिसके लिए स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। 24/7 डिप्लॉयमेंट रहेगा मेन रोड्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे और मुख्य मुख्य चौराहे पे, और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में पुलिस डिप्लॉयमेंट है। हर वाहन और व्यक्ति चेक किए जा रहे हैं। ट्रेन यात्रियों के भी लगेजेस भी चेक किया जा रहा है। सस्पिशियस मूवमेंट पे लगातार वॉच किया जा रहा है। और भी तमाम संगठनों से लगातार हमारी बात चल रही है। कल कोई शांति व्यवस्था के लिए पूर्णतया तैयार है हम लोग, और डिप्लॉयमेंट भी सेक्टर जोन में अच्छे खासी डिप्लॉयमेंट है, दिक्कत नहीं होगी। सर, ये हाई अलर्ट के निर्देश केवल झांसी के लिए हैं या यूपी के कई जिलों के लिए हैं? ये तो पूरा प्रदेश के लिए हाई अलर्ट, और झांसी क्योंकि एक बहुत बड़ा जंक्शन है, हब है, साउथ से बहुत सारे ट्रेनें भी यहाँ से गुजरते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट है रेलवे स्टेशन के लिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।